सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। 2 GB के मेमोरी कार्ड को बढ़ा के 4 GB का मेमोरी कार्ड बनाए। 8 GB के पेन ड्राइव को कन्वर्ट करें 16 GB में। आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के हार्ड डिस्क के साइज इंक्रीज करें। कि ये वाकई में पॉसिबल है? दोस्तों YouTube पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखाई जाती है जिनमें आपको ये कहा जाता है कि आप अपने 4 GB के मेमोरी कार्ड को 8 GB में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसे इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप अपने पेन ड्राइव जैसे 4 GB का पेन ड्राइव है तो आप उसे कन्वर्ट करके 8 GB में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास 8 GB का पेन ड्राइव है तो आप उसे 16 GB में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के हार्ड डिस्क के साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या वाकई में पॉसिबल है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आपको एक पेन ड्राइव का साइज इंक्रीज करके और इसके पीछे के रियलिटी के बारे में आपको बताऊंगा। तो ऐसे में आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे की क्या रियलिटी है, क्या वाकई में हम अपने स्टोरेज डिवाइस के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों अगर आप YouTube पे जाके सर्च करें कि किस तरह हम अपने मेमोरी कार्ड, SD कार्ड या फिर पेन ड्राइव के साइज को डबल कर सकते हैं यानी इंक्रीज कर सकते हैं, तो वहां पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी जिनमें आपको ये दिखाया जाता है कि किस तरह आप अपने मेमोरी कार्ड, SD कार्ड या फिर पेन ड्राइव के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं यानी डबल कर सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में रियल है? तो ये जानने के लिए चलिए सबसे पहले मैं आपको एक पेन ड्राइव के साइज को इंक्रीज करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके पीछे की रियलिटी के बारे में बताऊंगा। तो अपने पेन ड्राइव के साइज को इंक्रीज करने के लिए आपको बताया जाता है वीडियोस में कि सबसे पहले आप अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम माय कंप्यूटर को ओपन करते हैं और इसे थोड़ा मूव करके साइड में ले आते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक पेन ड्राइव है जिसका साइज है 8 GB। तो इस पेन ड्राइव को आपको सबसे पहले फॉर्मेट करना होता है। अगर आप अपने इस पेन ड्राइव के साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट मार देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है जिसका नाम होता है अल्टीमेट ड्राइव इंक्रीज। इस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप पे ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने पेन ड्राइव का नाम देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। तो चलिए मैं एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर अपना, मनोज सारू। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना होता है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं उसके बाद ये पूछता है टाइप द ड्राइव लेटर। तो यहाँ पर हमारे ड्राइव का नाम है H लेटर, तो यहाँ पर आपको H प्रेस करना है और उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपसे बोलता है कि साइज डालिए, यानी आप अपने पेन ड्राइव के साइज को कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 16 GB करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 means 1 GB, जिसका मतलब है अगर हम यहाँ पे 16 टाइप करते हैं तो पेन ड्राइव का साइज हो जाएगा 16। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोर्ट है वो कन्वर्ट हो रहा है ब्लू कलर में। तो ये कुछ टाइम ले सकता है, यानी आपके जो पेन ड्राइव है वो सॉफ्टवेयर चेंजेस हो रहे हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, तो ये कुछ टाइम ले सकता है, 2 मिनट 3 मिनट या फिर 5 से 10 मिनट तक का। तो ऐसे में आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ये प्रोसेस खत्म हो जाए यहाँ पे डन प्रेस एनी की का ऑप्शन लिखा होगा, तो आपको अपने कीबोर्ड पे कुछ भी प्रेस करना है। तो जैसे आप कीबोर्ड पे कुछ भी प्रेस करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे साइज देख सकते हैं, हमारे ड्राइव का नाम था एच जिसका नाम -V दे दिया गया है, और यहाँ पर आप साइज देख सकते हैं इसका जो साइज है वो डबल हो गया है जो पहले की साइज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके भी इसका साइज चेंज देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो इसका साइज है ओरिजिनल साइज वो आपको 15.9 GB दिखाई देगा, जो कि करीब 16 GB के बराबर हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या फिर SD कार्ड या फिर किसी भी तरह के स्टोरेज डिवाइस के साइज को डबल कर सकते हैं यानी बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई में रियल है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल नहीं, ये एक तरह का फेक है। इससे अगर आप किसी भी तरह के स्टोरेज, मेमोरी कार्ड या फिर किसी भी तरह के स्टोरेज डिवाइस के साइज को बढ़ाते हैं तो ऐसे में कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए मैं आपको एक रियल प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे ये फेक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेन ड्राइव का साइज मैंने इंक्रीज करा था वो अभी भी यहीं पे लगा पड़ा है। अब मैं आपको इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम इस पे राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद हम इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं। तो जैसे मैंने फॉर्मेट पे क्लिक करा तो यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करके इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं। तो जैसे मैं इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करता हूँ तो आप देखना यहाँ पे जो कैपेसिटी है, सबसे पहले तो वो दिखा रहा है 7.45 GB। उसके बाद जैसे आप इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं तो यहाँ पर आपको इस पेन ड्राइव का ओरिजिनल साइज दिखा देगा, जो कि था 7.43 GB।
तो जो हमारा फेक पेन ड्राइव का साइज बना था वो डिलीट हो चुका है यहाँ से। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस पेन ड्राइव के साइज को मैंने इंक्रीज करा था उसे बाद में मैंने फॉर्मेट मारा तो वो अपने ओरिजिनल साइज में आ गया। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपको यूट्यूब पे वीडियोस दिखाए जाते हैं वो रियल है या फिर फेक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर आपके मेमोरी कार्ड या फिर एसडी कार्ड या फिर पेन ड्राइव के सॉफ्टवेयर पार्ट को चेंज कर देता है, जिससे आपका 4 GB का मेमोरी कार्ड 8 GB में कन्वर्ट हो जाता है या फिर 8 GB के एसडी कार्ड 16 GB में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर पार्ट को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए जब आप अपना पेन ड्राइव फॉर्मेट मारते हैं तो वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोसेस आप यूज ना करें। इस प्रोसेस से आपका पेन ड्राइव खराब हो सकता है, करप्ट हो सकता है या फिर आपके मेमोरी कार्ड या फिर आपका स्टोरेज डिवाइस, किसी भी तरह का स्टोरेज डिवाइस चाहे वो हार्ड डिस्क के क्यों ना हो, अगर आप ये प्रोसेस यूज करते हैं तो ऐसे में आपका जो हार्ड डिस्क है या मेमोरी कार्ड है या फिर पेन ड्राइव है वो करप्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ये प्रोसेस आप बिल्कुल ट्राई ना करें। आपको यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस दिखाए जाते हैं उन वीडियोस को फॉलो ना करें, आपका नुकसान है इसमें और किसी का नुकसान नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और शेयर तो बिल्कुल करें। और यदि आपके मन में कुछ भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको मुझसे पर्सनली चैट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसमें सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोज की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।